Hello class, myself Ritika Emmanuel, and today we are going to discuss somatoform disorders from neurological disorders. Let's look at the specific objectives first. Introduce somatoform disorders, classify somatoform disorders and explain them in detail. Discuss the treatment in somatoform disorders. Now somatoform disorders. These disorders are characterized by repeated presentation of physical symptoms which do not have any physical basis and a persistent request for investigation and treatment despite repeated assurance by treating doctors. Now, somatoform disorders hota kya hai? Basically, somatoform disorders suggest karte hain symptoms are often described in dramatic ways. Theek hai? Ye physical symptoms patient ke andar mein dikhai deta hai. लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता. ठीक है, पेशेंट बार बार बोलता है कि मुझे आँख में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता. ठीक है, और पेशेंट इसमें क्या करता है, ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ा के सिम्टम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. ओके, नाउ इसके दिस डिसऑर्डर्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, ठीक है, हाइपोकोंड्रियासिस, somatoform autonomic dysfunction and persistent somatoform pain disorder. Now somatization disorder. Somatization disorder is characterized by chronic multiple somatic symptoms in absence of physical disorder. The symptoms are vague and presented in dramatic manner and involve multiple organ system. ठीक है, यहाँ पर मैं दो पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स. ठीक है, डायग्नोसिस पेशेंट को यहाँ समझ में नहीं आता कि पेशेंट को एग्जैक्टली हो क्या रहा. यहाँ पे पेशेंट के रिलेटिव्स पैसे पे पैसा खर्चा लगा देते हैं सिर्फ डायग्नोसिस या डिजीज कंडीशन का कॉज पता करने के लिए. ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता कि पेशेंट को हो क्या रहा है. ठीक है, बीमार क्यों पड़ रहा है पेशेंट घर के अंदर. और ये कारण सोमेटाइजेशन के केसेस में खासकर इसलिए होता है क्योंकि कोई भी जब घर में बीमार पड़ता है तो साइकेट्रिस्ट के पास कोई जाना नहीं मांगता. और अगर इसको सोशल एम से भी देखें तो पेशेंट के ऊपर में पागल का टैग लग जाता है. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आ रहा है कि पेशेंट के अंदर में एक से ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं. यानी कि अगर आप देखोगे तो सही में अगर कोई पेशेंट को तकलीफ है फिजिकली और अगर कोई उसके सामने में कोई सोमेटाइजेशन का पेशेंट को सामने खड़ा कर दें तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ इनको सही में तकलीफ है या ये सोमेटाइजेशन का केस है. ठीक है, इसमें सबसे पहले सोमेटाइजेशन के केस में क्या दिखता है कि फिजिकल सिम्टम्स एक से ज़्यादा नज़र आते हैं. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम. मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम का मतलब फॉर एग्जाम्पल पेशेंट क्या बोलेगा कि उसके पेट में दर्द दे रहा है, उसके हाथ में दर्द दे रहा है, उसको आँख में दर्द दे रहा है, बात करते करते फिर बाद में मुंह में भी दर्द देने लगेगा, उसको एंकल में दर्द दे रहा है. ठीक है, उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है लेकिन एक साथ उनको सारे के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के अंदर में. ठीक है, इसके इंसिडेंस 0.22% रहते हैं पॉपुलेशन के अंदर में. ठीक है, एंड इट बेसिकली बिगिंस एट द एज ऑफ 30 ईयर्स. ठीक है, इनका ट्रीटमेंट जो होता है इफ इट इज़ डायग्नोज्ड ऑन राइट टाइम तो प्रॉपरली इनका ट्रीटमेंट हो सकता है. लेकिन बाकी जो क्लासिफिकेशंस हैं जैसे हाइपोकोंड्रियासिस एंड पेन डिसऑर्डर्स, इनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता. ठीक है, हाइपोकोंड्रियासिस इज डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट प्री ऑक्यूपेशन विद अ फियर और बिलीफ ऑफ हैविंग अ सीरियस डिजीज डिस्पाइट रिपीटेड मेडिकल रीअश्योरेंस. ठीक है, इसको पहले हिस्टीरिया भी बोला जाता था यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर, लेकिन इसको अब दोनों को ये डिजीज कंडीशंस को अलग कर दिया गया है. ठीक है, हाइपोकोंड्रियासिस मतलब कि फियर ऑफ डिजीज़ या डिजीज़ फोबिया. ठीक है, ज़रा सा गला खराब होने पर भी पेशेंट बोलेगा कि मुझे कहीं ओरल कैंसर तो नहीं हो गया है. वो लोग सिम्टम्स को ही बहुत बड़ी सीवियर बीमारी समझने लगते हैं. ठीक है, यहाँ पे पेशेंट ये सोचता है कि बार बार मेडिकल रीअश्योरेंस भी मिलता है, पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं कि उनको तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब फिजिकल चेकअप होता है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को, है ना. जब फिज़िकल एग्जामिनेशंस होता है या डायग्नोसिस पता करने की कोशिश करते हैं तो कुछ खास उसमें
रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। मेडिकल रीअश्योरेंस पेशेंट को मिलती है कि पेशेंट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन पेशेंट इज स्टिल सेइंग कि उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है सोमेटोफॉर्म ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। इन दिस डिसऑर्डर द सिम्टम्स आर प्रीडोमिनेंटली अंडर ऑटोनॉमिक कंट्रोल, ठीक है। जो सिम्टम्स है वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल में रहते हैं एज इफ दे वर ड्यू टू अ फिजिकल डिसऑर्डर। सम ऑफ देम इंक्लूड पैल्पिटेशंस, हिकअप्स, इरिटेबल बाउल एंड डिस्यूरिया। हिकअप्स मीन्स हिचकी आना और डिस्यूरिया मीन्स पेन इन यूरिनेशन। नाउ परसिस्टेंट सोमेटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर। अब इसे पेन डिसऑर्डर भी बोला जाता है, ठीक है। द मेन फीचर इन दिस डिसऑर्डर इज़ अ सीवियर परसिस्टेंट पेन विदाउट एनी फिजिकल बेसिस, ठीक है। यहाँ पे कोई फिजिकल बेसिस नहीं है, फिजिकल कॉज नहीं है, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है। इट मे बी सफिशेंट सो एज टू कॉज सोशल एंड ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दिस इज़ अ पेन डिसऑर्डर, ठीक है। बहुत सीवियर पेन रहता है पेशेंट को, जो कि पेन किलर या एनाल्जेसिक्स देने के बाद भी ठीक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल सिम्टम क्या बता रहा है, इट इज़ पेन, लेकिन ये क्या हो रहा है, एनाल्जेसिक्स देने के बाद भी प्रॉपरली ठीक नहीं होता। और ये इतना सीवियर रहता है, पेशेंट ऐसा बताता है कि उसको इतना सीवियर पेन है कि वो सोशल नहीं होगा किसी से, या उसको कहीं जॉब नहीं जाना है, तो इस टाइप का ये प्रॉब्लम अपने अंदर में सोमेटोफॉर्म ये पेन डिसऑर्डर पेशेंट अपने अंदर में लेकर आता है। जबकि कोई उसका कॉज नहीं है, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं निकलेगा, लेकिन पेशेंट क्या बोलेगा कि उसको पेन हो रहा है, ठीक है। नाउ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें यहाँ बताए जा रहे हैं कि इट इज़ अननोन, ठीक है। इसका कोई खास कॉज नहीं है कि ये बीमारी क्यों होती है। एंड साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में देर आर नो साइन एंड सिम्टम्स। यहाँ पे जो पेशेंट बताता है वही, उसी पर आपको भरोसा रखना पड़ता है, उसी के भरोसे आप रह सकते हैं, ठीक है। जैसा पेशेंट बता रहा है उसी के थ्रू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस भी की जाती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में आप हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, ठीक है। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और ख़ासकर सोमेटाइजेशन के पेशेंट्स में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन फॉर कोऑर्डिनेटिव फंक्शनिंग, ठीक है, चेक की जाती है। देन देर आर टेस्ट टू रूल आउट एनी अंडरलाइंग ऑर्गेनिक कॉज, ठीक है। कहीं सचमुच में पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उनको सही में कोई फिजिकल सिम्टम तो नहीं है, कि कहीं पेशेंट बता रहा है कि उसको हार्ट में भी पेन है और उसको हेड में भी पेन है, तो हो सकता है कि कहीं उनको हेड में पेन हो, ठीक है। इस टाइप से पता करना पड़ता है, ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स को देखने के लिए। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। इसमें ड्रग थेरेपी एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। बेसिकली ड्रग थेरेपी में एंटी डिप्रेसेंट्स मिलेंगे पेशेंट्स को और बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन आर फॉर एंग्जाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे सपोर्टिव साइकोथेरेपी आती है। सपोर्टिव साइकोथेरेपी के साथ में ग्रुप थेरेपी भी दी जाती है, ठीक है। पेशेंट को ग्रुप में रखते हैं ताकि उन पेशेंट के साथ में और भी जो ग्रुप में है वो सब वही बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, वही बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके साथ में जो कॉन्वर्सेशन वो करेगा या उनके साथ कोई भी एक्टिविटी वो करते हैं तो उनके लिए सपोर्टिव रहती है, उनके लिए हेल्पफुल रहती है, ठीक है। और रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी में मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। कंक्लूजन। दीज डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज बाय रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है, विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल बेसिस, कोई प्रॉपर कॉज नहीं रहता सिम्टम्स का, एंड परसिस्टेंट रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन। पेशेंट हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता है कि उनको उनकी बीमारी के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, जबकि बोला जाता है कि जबकि रिजल्ट आता है तो पेशेंट इज़ एब्सोल्युटली फाइन डिस्पाइट रिपीटेड एश्योरेंस बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर्स। बिब्लियोग्राफी, गाइड टू मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, सेकेंड एडिशन, आर्शिवानी, जेपी ब्रदर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। होप यू हैव अ गुड डे।